रूप बीम में इतना ज़्यादा गलती हुआ, आज हम बताएंगे इसी के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो क्लास तक देखें, और चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बीम को यहाँ पर लोहा बस इतना ही तक तो छोड़ दिया गया है। यहाँ पर हमारा बीम थ्रू आउट आ रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। एंड हो रहा है यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट यहाँ पर देना चाहिए LD, यहाँ पर L होना चाहिए नीचे, और नीचे का लोहा ऊपर की तरफ L होना चाहिए। मतलब ऊपर और नीचे कहीं भी L यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया गया है, ये बहुत ही यहाँ पर गलत किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर इंजीनियर नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है। सो प्लीज़ आप भी अपना काम करा रहे हैं तो एक इंजीनियर ज़रूर हायर करें। यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर जितना बीम देख रहे हैं लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों बीम यहाँ पर इंड हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी L नहीं छोड़ा गया है, उधर भी L नहीं किया। यहाँ पर कोई लॉक का काम ही नहीं करेगा, यहाँ पर हमारा बीम यहाँ फेलियर का चांस ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर है, राइट साइड में देख सकते हैं कि मेरा जो सरिया रेड कलर का है वो नीचे गया हुआ है L मुड़कर, और नीचे वाला ऊपर की तरफ। इस तरह से लेफ्ट साइड वाला गलत है, लेफ्ट सॉरी राइट साइड वाला गलत है और लेफ्ट साइड वाला सही है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दें और समझे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी वैसे ही किया है, यहाँ भी L देना चाहिए था। और देखिए आगे दिखाते हैं, काफ़ी जगह ऐसे किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा यहाँ पे L नहीं दिया गया है, बस लोहा का यहाँ पर काट के छोड़ दिया गया है। क्या फ़ायदा है इसे घर बनाने का। और यहाँ पे हम दिखाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर कवर वगैरह मेंटेन भी नहीं किया गया है, पूरा एकदम सटिंग में चिपक गया है जाकर लोहा। जब यहाँ पर कास्टिंग होगी तो पूरा लोहा दिखेगा ढलाई सटिंग खोलने के बाद। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं एक एग्जांपल में, यहाँ पर L प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर L प्रोवाइड किया गया है, लोहा का नीचे की तरफ बेंड करके यहाँ पर रखा गया। इस तरह से सभी जहाँ जहाँ बीम आ रहा है वहाँ वहाँ पर इस तरह का देना चाहिए। यहाँ भी देख सकते हैं कुछ जगह पे दिया गया, एक से दो दो जगह पर यहाँ पर L प्रोवाइड किया गया है, ऊपर वाला नीचे का लोहा बेंड किया गया, नीचे वाला ऊपर की तरफ लोहा बेंड किया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बीम का जो कवर देना चाहिए दोनों साइड इक्वल, यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया एक तरफ देख सकते हैं यहाँ पर लोहा पूरा चिपक गया सेटिंग से, यहाँ पर कोई कवर को मेंटेनेंस नहीं किया गया है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। हमारे रूफ बीम में जहाँ जहाँ बीम है वहाँ वहाँ हम लोग कवर दोनों साइड कम से कम 25 mm को 25 mm हम लोग क्लियर कवर छोड़ना चाहिए और कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई कवर ब्लॉक नहीं है, राइट साइड में देख सकते हैं एक कवर ब्लॉक का फोटो है, वहाँ छोटा सा कवर दिया हुआ है, इसी को कवर ब्लॉक बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे रिंग रिंग में भी गलती किया गया है, बीम में रिंग में अंदर की तरफ हुक रहना चाहिए। यहाँ पर हमारा अच्छे से ग्रिप बनाता कंक्रीट के साथ, हमारा फेलियर का चांस यहाँ पर जीरो कर देता है। यहाँ पर हर जगह देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर भी वो सही किया गया है, कहीं भी नहीं। यहाँ पर हमारा हिडन बीम है, स्लैब के अंदर ही छिप जाता है, इसके हिडन बीम बोलते हैं। जहाँ पर हमारा स्पान ज़्यादा बड़ा होता है वहाँ पर ये दिया जाता है। सो ये काम तो अच्छा हुआ है। यहाँ पर स्लैब में भी देखिए इतना कोई कोर ब्लॉक नहीं दिया गया है, यहाँ पर गलती ही गलती, इतना ज़्यादा गलती ढूंढने पर मिलेगा। आप अब अपना घर बना रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दें कि हमारा क्लियर कवर होना चाहिए, हमारा जहाँ जहाँ रीएनफोर्समेंट है वहाँ पर कवर स्लैब में 15 mm को होना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।